अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां चलती कार पर तीन लड़कों ने किए पटाखों के धमाके, पुलिस ने भेजा जेल, कहां अफसर की पत्नी और दुकानदार के बीच हुआ विवाद तो बढ़ गया बवाल, बुलानी पड़ी पुलिस और एक छोटी सी दुकान जिसकी कीमत सुनकर रह जाएंगे हैरान। शुरुआत करते हैं चलती कार पर पटाखों के धमाके वाले वायरल वीडियो की खबर के साथ। दिवाली की रात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में चलती कार पर आतिशबाजी को देखा जा सकता है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के पास गुरुग्राम की हैं। सड़क पर ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता था। तीन युवकों ने ये वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने ऐसे खतरनाक काम करने वालों की छानबीन शुरू की। पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तीनों की उम्र 22 से 27 साल के बीच बताई जा रही है। इसके साथ ही गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सड़कों पर चलते समय नियमों के उल्लंघन न करें और किसी की जान को खतरे में न डालें। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर यूपी के फिरोजाबाद की है, जहां रसूलपुर इलाके के आसपाबाद में एक रेडीमेड शॉप पर जिले के एक अफसर की पत्नी कपड़े खरीदने गई थी। वहां पैसों के लेन देन को लेकर अधिकारी की पत्नी और दुकानदार दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद अफसर की पत्नी के वहां से चले जाने के बाद उसके साथ मौजूद रहे कुछ लोगों ने दुकानदार और अन्य लोगों से मारपीट कर दी। इस घटना के बाद हंगामा हो गया। रसूलपुर थाने की पुलिस ने दुकान पर मौजूद कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया और सभी को जेल भेज दिया। लोगों की माने तो यहां लगे सीसीटीवी में ये नजारा कैद हुआ, मगर पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज जब्त कर लिए हैं। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन दुकान में लगे सीसीटीवी के डीवीआर की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दें तो पता चल जाएगा कि कौन दोषी है। दुकानदारों और जेल भेजे गए लोगों में अब इतना खौफ है कि आप खुद ही देख लीजिए। तीसरी अनोखी खबर मध्य प्रदेश से है। जिस दुकान का शटर गिरा उसकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस दुकान का क्षेत्रफल करीब 70 वर्ग फीट है और इसकी कीमत लगभग 1,72,00,000 रुपए बताई गई है। यह दुकान है विश्व प्रसिद्ध खजराना के गणेश मंदिर के परिसर में। इसकी नीलामी निकली थी और सबसे ज्यादा कीमत लगाकर व्यापारी देवेंद्र राठौर ने इसको अपने नाम कर लिया और 30 साल के लिए लीज पर ले लिया। इस दुकान में केवल लड्डू, हार, फूल और पूजन सामग्री ही बेची जानी है। 70 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल की इस दुकान की कीमत तकरीबन 2.47 लाख रुपये प्रति वर्ग फीट आई है। देवेंद्र राठौर की इसी परिसर में 13 नंबर की दुकान भी है। फिलहाल 1 नंबर की दुकान खाली पड़ी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगी हुई है। इस टेंडर में लगाई गई राशि को व्यापारी द्वारा 1 महीने में देने का समय दिया गया है। ये राशि खजराना गणेश प्रबंधन समिति को जमा होगी, जिससे मंदिर का और विस्तार हो सकेगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।